कृष्ण को एक दिन नहीं हुआ जब शांति से किसी ने जीने दिया अभी तो आपको कृष्ण के जीवन का पता नहीं है जितना पता है जो सीरियल में देखते हो कि कृष्ण पांच दिन के थे तो पूतना आ गई थी फिर सात दिन के थे तो आगासुर आ गया फिर अठारह दिन के थे बकासुर आया फिर कुछ साल के थे तो ये आया पूरा जीवन जब तक कंस को मारा नहीं तब तक उनका पूरा जीवन जहर था कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई कंस को मारना भी आसान नहीं था कंस के पहले भी जितने उस मल्ल युद्ध में जिन लोगों को मारा वो भी कम नहीं थे सत्रह साल सोलह साल क्या उम्र होती है सोलह साल उम्र में सामने मामा अपने घर का विरोधी हो और ये सोचे कि बस गले लगाऊं और मार डालूं। उसके बाद भी कृष्ण को शांति कहां थी फिर जरासंध बार 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 बार, बार अटैक पर अटैक अटैक पर अटैक आखिर कृष्ण ने सब छोड़ दिया मथुरा छोड़ दी वृंदावन छोड़ दिया कहाँ बस गए द्वारिका बस गए अब द्वारिका बसे तो क्या हुआ वहां द्वारिका बसे तो वहां तो अब सबको राजा हो गए द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई देवताओं के देवताओं के शिल्प शिल्पकार आर्किटेक्चर एम तो पानी ना भरी है तय उनके आगे पानी भी नहीं भरता आज का इंसान ऐसे ऐसे रत्न समुद्र से लगे हुए थे जिसका सूर्य का रिफ्लेक्शन जिस रत्न पर पड़े वही लाइट रिफ्लेक्ट होती थी आज आप डीजे में जो चलाते हो ना लाइटिंग्स जो इफेक्ट देती हैं वैसी लाइटिंग नेचुरल वे से वहां दिन में भी हुआ करती थी बड़े बड़े रत्न लाल रूबी एमरल ये सब इस तरीके से लगे थे कि सूर्य की जो किरण सूर्य में भी सात रंग होते हैं। तो सूर्य की हरे रंग की किरण उस हरे रंग के पत्थर पर ही पड़ेगी और वो हरा और हरा लेके हरा प्रकाश फैलाती थी कैसे कैसे वो बना रखे थे कैसा कैसा आर्किटेक्चर था हवा के लिए लाइट के लिए पानी के लिए और खारा पानी उस समय भी था ऐसा थोड़ी कि खारा आज समंदर हो गया पहले मीठा था उस खारे को मीठा बनाने के लिए जो प्लांट लगा होगा तब वो भी हो गई उसी से ही स्नान कर रहे होंगे उसी से ही पानी पी रहे होंगे तो एक वहां पर और कुआ है जो समंदर आसपास समंदर का खारा पानी है पर बीच में मीठा जलाता है कुछ तो होगा और ये बनाने में कोई दिमाग तो लगा होगा कोई आर्किटेक्चर तो होगा है ना तो इतनी बड़ी द्वारिका बनाई शांति से रहने के लिए कि यहाँ पे शांति से थोड़ा सा सुकून से बैठूंगा सुकून कहाँ था फिर आपके दुर्योधन महाभारत के युद्ध की तैयारियां होने लगी और तो और छोड़ो यहाँ तक कि एक बार कृष्ण अपने कक्ष में द्वारिका में सो रहे थे सो रहे थे तो कृष्ण के बेटों ने आपस में लड़ाई करी और बोले कि जो सबसे छोटा बेटा है जो कृष्ण की बहुत बात मानता था आज्ञाकारी था कृष्ण उसको बहुत प्यार करते और हमको नहीं करते हम निन्यानबे को नहीं करते और इसी एक को करते तो वो आपस में लड़े वो लड़े और लड़ते लड़ते जो बेटा था छोटा वो कृष्ण के पिताजी के कक्ष में आया बचाओ 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 क्यों क्योंकि निन्यानबे पीछे पड़े बचाओ बचाओ करते आया तो कृष्ण की आंख खुली कृष्ण की आंख खुली तो देखा कि निन्यानबे के हाथ में तलवार है और सब एक आवाज में बोल रहे हैं इस बाप को ही खत्म करो जिसने हमारे बीच में झगड़े पैदा करा दिए इसको बहुत प्यार करता है मेरा बाप हम लोगों को नहीं करता खत्म करो पिताजी को ऐसे तो बेटे थे शांति है शांति सौमाती दस टक्का है हारा ना निकले बापड़ा दस तो हम अच्छे निकलने चाहिए नहीं एक ही अच्छा निकला जिसका वंश बाद में चला प्रद्युम्न फिर अनिरुद्ध उसके बाद एक ही वंश आगे बढ़ा मतलब कृष्ण के एक ही बेटा जीवित रहा फिर जिसने यादव वंश को निर्वहन किया पर बाकी निन्यानवे तो मर गए लड़के अब ऐसे कृष्ण सोचेंगे कि मैं सारी दुनिया को शांति दे रहा हूं मेरे घर में कितनी लड़ाई हो रही है। <laughs> गीता का उपदेश वहां दिया अपने घर में नहीं दे पाए 113 साल की उम्र में कृष्ण बड़े चिंतित बैठे तो नारद जी आए नारायण 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 अभिवादन किया कृष्ण ने महाराज वैसे आप इतने ऐसा चेहरा तो आपका कभी नहीं देखा जो उदासी मैंने आज आपके चेहरे पर देखी है सदैव मुस्कुराते हुए आप सारी परिस्थितियों को पार कर गए हो ऐसी क्या बात है जो आज इतने उदास हो कृष्ण ने कहा नारद मेरी द्वारिका बड़ी सुंदर बनी हुई है तुमने क्या देखी द्वारिका मेरी नारद ने कहा हाँ, मैंने जब बनी थी तब देखी थी इसकी शोभा और बढ़ गई है क्या आपने देखा नारद ने कहा नहीं मैंने उसके बाद नहीं देखा जब बन रही थी विश्वकर्मा के द्वारा बनकर तैयार हो गई थी तब मैं आया था ना आज नहीं देखी बोले जाओ नारद थोड़ा सा देखे आओ नारद जी द्वारिका का भ्रमण करने निकले द्वारिका का भ्रमण करने निकले तो बड़े परेशान हुए देख के परेशान क्यों हुए कि बलराम जी जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई कहे जाते हैं जो शेषनाग का अवतार कहे जाते हैं वो महाभारत के युद्ध काल के बाद अक्सर पीके पड़े रहते थे इतना मद्यपान करते इतना मद्यपान करते मद्यपान करते और पड़े रहते फिर उठते फिर पीते फिर पड़े रहते फिर पीते फिर पड़े रहते और पेटे तो आपको पता है वो तो उग्र स्वभाव के ही थे वो भी पीते वो भी लड़ते फिर पीते फिर लड़ते वहां बलराम जी भी आपने कभी कथा नहीं सुनी होगी ऐसी पता है आपको नहीं पता फिर आए नारद जी वापस बोले महाराज मैं प्रभु मैं आपकी उदासी का कारण समझ गया ऐसी द्वारिका जैसी द्वारिका को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया हो जिसके आर्किटेक्चर देवता जैसे स्वयं हो जहां पर किसी सुख सुविधा की कमी ना हो और वहां पर एकदम आपके खास सेवक बड़े भाई बलराम जी इतना मद्यपान कर रहे तब फिर कृष्ण ने कहा कि अब हमारे यहाँ पे सारे कर्तव्य पूरे हो गए अब हम जाना चाहेंगे वैकुंठ और बलराम केवल इस बात से नाराज हैं कि आपने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं दिया अर्जुन का साथ दिया और दुर्योधन बलराम के शिष्य थे और अर्जुन मेरा शिष्य था कि आपने कपट कर लिया आपने धोखा किया है अब बताओ कि अगर उसका अधर्मी शिष्य अगर उसको बल मिलता तो अधर्म और फैलता ना नारद अर्जुन को बल मिला है तो धर्म की स्थापना हुई है पर बलराम ये समझने को तैयार नहीं है कि धर्म की स्थापना के लिए ही अर्जुन को पोषण मिला है अधर्म को उखाड़ने के लिए ही दुर्योधन का विनाश हुआ है पर बलराम का ये कहना है कि आपने चाहते तो आप महाभारत का युद्ध रोक सकते थे पर आपने जानबूझकर रोका नहीं और मैंने युद्ध छेड़ा है और मैंने ही युद्ध करवाया है इस बात के दिमाग में उसने इतना गहरा लिया है नारद कि वो मद्यपान करके उठने को तैयार रहे बोलो कृष्ण कर्तव्य निष्ठ कृष्ण जो गीता का संदेश दे रहे हैं कृष्ण जो ये कह रहे हैं कि धर्म के लिए विपत्तियां कितनी भी आए फिर भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए वो कृष्ण केवल भारत को नहीं सारे विश्व में गीता का डंका बजाया जा रहा है उस कृष्ण के घर में कितनी परेशानी ऊपर से गांधारी ने जब पट्टी खोली जब तब कृष्ण ने कपट किया ना उसको बंधवा दिया तो बोले तेरे तेरे सारे खानदान नष्ट हो जाएगा तो कृष्ण ने बड़े सहर स्वीकार किया मैं आज तक माँ का आशीर्वाद प्रेम से स्वीकार करता हूं हे माँ आज तेरा श्राप भी प्रेम से स्वीकार करता हूं तो कृष्ण की समता है ना जो कृष्ण ने गीता गाई है उसमें ये कहा है कि अच्छा मिले कि बुरा मिले दोनों में समत्व रहे सुख आए कि दुख आए दोनों में समत्व रहे तो कृष्ण ने अपने जीवन में समत्व दिखाया हमारे सिर पर तो उतनी मुसीबतें ही नहीं है सोच भी नहीं सकते जितनी कृष्ण के जीवन में घटित हो गई